Hello everyone, welcome back to my channel. So firstly, if you are watching this video today, then a very happy Diwali to you. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही जो यू नो सब्जेक्ट रहता है डिस्कशन का बिटवीन द स्टूडेंट्स कि हम अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें, क्योंकि रिसर्च करना तो चलो एक लेंथी टाइम है, बट जो सबसे ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला काम होता है ना, वो ये रहता है कि हम अपना टॉपिक क्या डिसाइड करें कि किस चीज़ के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, राइट? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी ताकि आपको एक की बारे में पता चल जाएगा कि आप अपनी रिसर्च किस टॉपिक के ऊपर करने वाले हो। So, मैंने ना अपनी बैचलर्स में भी रिसर्च करी है, मास्टर्स में भी रिसर्च करी है, और एक रिसर्च में अभी भी अपनी कर रही हूँ, वो इन प्रोग्रेस है, टॉपिक वॉपिक सब डिसाइड हो गया है उसका। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? सो आई थिंक आई एम एलिजिबल इनफ कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपना जो रिसर्च का टॉपिक है वो कैसे डिसाइड करते हो। सो देखो, जो जनरल अप्रोच रहती है ना एक रिसर्च टॉपिक चूज करने की, वो रहती है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि हम एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला में से एक बहुत छोटा सा टॉपिक चूज करते हैं। सो दिस इज जनरल टू स्पेसिफिक, राइट? सबसे पहले जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें खुद से पहले दो क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सबसे पहला कि हमें कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है, एंड दूसरा हमें कौन से टाइप ऑफ रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सो मेरे लिए जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत सारे थे, ऑर्थोपेडिक, गायनी, स्पोर्ट्स, न्यूरो, पेडियाट्रिक, बायोमैकेनिक्स वगैरह, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, राइट? सो मुझे उनमें से अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करना है कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं ये सब्जेक्ट में अपनी रिसर्च करना चाहती हूँ। दूसरा, मुझे चुनना है कि मुझे कौन से टाइप ऑफ रिसर्च करनी है। मुझे डिस्क्रिप्टिव करनी है, ऑब्जर्वेशनल करनी है, सर्वे करना है मुझे, इंटरव्यू फॉर्म वाले करने हैं, एक्सपेरिमेंटल करनी है, नॉन एक्सपेरिमेंटल करनी, क्योंकि रिसर्चेस भी ना बहुत सारे तरीके की होती है। सो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से टाइप ऑफ रिसर्च करनी है। कई बार जो आपके गाइड होते हैं ना, वो भी आपको बोलते हैं कि आपको इसी तरह की रिसर्च करनी है, कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी करनी है या फिर आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना वहां से मिल जाए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो आपने सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चूज किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यूरो चूज किया, राइट? सो न्यूरो के अंदर भी ना बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मुझे उसमें से फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा कि मुझे किस टॉपिक में इंटरेस्ट है विद इन न्यूरोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पार्किंसन अच्छा लगता है, स्ट्रोक अच्छा लगता है, टीबीआई अच्छा लगता है, एमएस अच्छा लगता है, एएलएस में मेरा इंटरेस्ट है, सो मुझे वो चीजें देखनी पड़ेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पार्किंसन जो है, पार्किंसन डिजीज जो है, उसमें मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मैं उसमें आगे फर्दर रिसर्च जो है करना चाहती हूँ, राइट? अब जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि मुझे कौन से टाइप ऑफ रिसर्च करनी है, सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे एक इंटरवेंशन स्टडी करनी है, मेरे को पेशेंट के ऊपर एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल टेस्ट करके देखना है और फिर मुझे उसका प्री एंड पोस्ट चेक करना है, तो ये हो गई मेरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, प्री एंड पोस्ट। तो मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मुझे एक तो पार्किंसन पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करना है और दूसरा मुझे अपना जो रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है इसके अंदर, कि अब पार्किंसन के ऊपर जितना भी लिटरेचर मुझे नेट पे या किसी भी रिसोर्स पे अवेलेबल है ना, मुझे वो सारा स्टडी करना है। इसके लिए बहुत सारी यू नो वेबसाइट्स भी होती है, जैसे गूगल स्कॉलर, पबमेड वगैरह, तो वहां से आप जाके ना इसके बारे में पढ़ सकते हो। सो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है ना, कि जो चीजें या फिर जो टॉपिक आपने चूज किया ना, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, आपको वो देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इंटरवेंशन स्टडी कर रही हूँ, मेरा ये एम है इस रिसर्च के लिए, सो मैंने गूगल स्कॉलर पे गई और वहां पे मैंने लिखा कि पार्किंसन डिजीज के लिए ना मेरे को इंटरवेंशन स्टडी बताओ। सो फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक स्टडी आई कि उन्होंने बोला कि हमने पार्किंसन पेशेंट्स के अंदर एक्वेटिक थेरेपी कराई, मतलब हाइड्रोथेरेपी कराई और लैंड एक्सरसाइजेस कराई, तो उसमें जो हाइड्रोथेरेपी थी उसका रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिला एज कम्पेयर टू लैंड एक्सरसाइजेस इन पार्किंसन पेशेंट्स। अब मुझे ये चीज मिल गई। अब क्या होता है ना कि जो आर्टिकल होता है ना, वहां से आपको आइडिया लग गया कि हाँ भाई, वाटर में जो एक्सरसाइजेस है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। सो होता क्या है ना कि जो भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो ना, उससे आपको ना पॉजिटिव मिलता है कि हाँ, कहाँ पे हमारी जो चीजें हैं वो लैक हो रही हैं या फिर क्या नया करने की जरूरत है, क्योंकि हर आर्टिकल में ना आपको लिमिटेशंस दे रखी होती हैं उस स्टडी की और फर्दर रिकमेंडेशन भी दे रखा होता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए इस रिसर्च के, अगर आपको फर्दर कंटिन्यू करना है तो, राइट? सो वहां से ना आप बहुत सारी नॉलेज जो है वो गैदर कर सकते हो। अब आते हैं अपने उसी एग्जांपल की तरफ कि पार्किंसन वाला पेशेंट है और हमने उसको हाइड्रोथेरेपी दिया और लैंड एक्सरसाइजेस दी। अब मेरे यहाँ पे क्या क्रिएटिविटी है, क्योंकि जो आपकी रिसर्च है वो नॉवल भी होनी चाहिए। मेरे पास देखो यहाँ पे दो चीजें आई कि एक तो मुझे वाटर एक्सरसाइजेस करानी है पेशेंट को, पेशेंट पार्किंसन का होना चाहिए, और मुझे इंटरवेंशन स्टडी करानी है। सो अब यहाँ पे क्या किया ना, मैंने ये तीनों चीजें कंबाइन कर दी हैं। कैसे कि अब मैं पार्किंसन पेशेंट्स को ना हाइड्रोथेरेपी, डिफरेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम कराऊंगी और उनका कंपैरिजन करूंगी, राइट? सो मेरी स्टडी का जो टाइटल है वो कुछ इस तरह फ्रेम हो जाएगा।
सो आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हमने कैसे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आके अपना जो रिसर्च टाइटल है वो बिल्कुल सिलेक्ट कर लिया। सो दिस इज हाउ यू रीच टू अ रिसर्च टाइटल, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिल गई होगी एंड आई थिंक कि आपका जो रिसर्च का टाइटल है वो भी आप जल्दी से फाइनलाइज कर लोगे आफ्टर सीइंग दिस एंड आई होप कि आपका जो रिसर्च का टाइटल है वो आप जल्दी से फाइनलाइज कर लोगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो।